नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। ये मेरा फर्स्ट मूवी है, और स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कतें आती थी, पर जब हमारे डायरेक्टर राजू सर जी, इन्होंने मुझे अच्छी तरीके से समझाया सिखाया, फिर उसके बाद में मुझसे सब आसानी से होने लगा। और जब माहौल बनता तो सब कुछ आसानी से हो जाता, और ऐसे धीरे 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 सब चीज़ आसानी से होने लगे। और इससे पहले कुछ किया था आपने स्टेज पे, काम किया, एक्टिंग कैसे आपने कराया? एक्टिंग इज लाइक माय पैशन, मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। और इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आई यूज्ड टू डू स्टेज। और बहुत खुश किस्मत है आपको, हीरोइन मिली, आपको क्या कहना चाहेंगे हीरोइन के बारे में? कितना कोऑपरेट किया उन्होंने? हाँ, मुझे तो सभी लोग बहुत कोऑपरेट करते थे, और हम सब लोग बहुत मिलजुल के रहते थे, सब लोग जी जान लगाते थे एक दूसरे को, और हमारे कैमरामैन, लाइट्समैन सब लोग मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे, और हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे और मस्ती भी बहुत करते थे। एक्चुअली जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि दिस वाज अनएक्सपेक्टिंग फॉर मी। पहले मैंने स्टेज शोज़ किए, फिर हमारा शूट के 10 दिन पहले हमारा वर्कशॉप हुआ था एक्टिंग का। सर यूज़ टू टेल मी टू वॉच ओल्ड मूवीज़ लाइक ऑफ रेखा जी, देन आई यूज़ टू वॉच इट, एंड बाय हर इंस्पिरेशन आई वॉज एबल टू एक्ट ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो और कौन सा भी काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लगता है, तो सर ने बहुत मोटिवेट किया कि कम ऑन, यू कैन डू इट, एंड दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एवर, सो थैंक यू। बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इज द बेस्ट, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत मोटिवेट करता है, हंसाता बहुत है, सो ही इज गुड। थैंक यू। तो एक चौकी क्या समझते हैं, कितना बड़ा रिस्क होगा आपके लिए? रिस्क नहीं होता ना सर, जो किया है तो आगे देखते हैं पब्लिक कितना रिस्पेक्ट देती है अपने की, पूरे नए चीज। सर स्टोरी में ऐसी क्या खास बात देखी जो इसको आपने प्रोड्यूस करने के लिए सोचा और फाइनेंस करने के लिए सोचा, क्योंकि अभी जो है छोटी फिल्मों को मैंने खुद लिखा हुआ है। ओके, मैंने खुद लिखा हुआ, इसलिए मैं बेटे नहीं। ओके, और स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की किसी फिल्म के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन लिया हुआ है सर, दो महीने तक ट्रेनिंग चालू था, 2 महीने का ट्रेनिंग खत्म हुआ, उसके बाद में हमने शूट चालू। तो कहानी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, किस तरह की कहानी होने वाली है फिल्म की, और अगर थोड़ा सा स्नीक पीक देख सके आप इसमें? प्यार, मोहब्बत, दोस्ती पूरा है। ओके, कब तक रिलीज होने वाली है फिल्म? ये अगले महीने में, अप्रैल में हो जाएगी। क्या कहना चाहिए? हेलो, मैं राजू संसार, इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। सूर्या और मेहरू रेसा का अधूरा मिलन, ये एक साफ सुथरी प्रेम कहानी है, एक मिस्टेरियस लव स्टोरी है, जिसमें आपको दहशत का अनुभव भी होगा, लेकिन जैसा हम एज यूजुअल फिल्मों में देखते हैं उससे बहुत ही हटके, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही क्लीन वातावरण, एक अलग तरह का माहौल आप लोगों को दिखाई देगा, जिसमें हंसी मजाक, यारी दोस्ती और हर तरह के रंग आपको जो मनोरंजन के होते हैं वो आपको अनुभव करने को मिलेंगे इस फिल्म में। किरदार में मेरा नाम जॉनी है, मैं हीरो का दोस्त हूँ इसमें, और मैंने क्रिश्चन का रोल प्ले किया है। ये मूवी में बहुत मेहनत है, ये सब राजू सर और पापा, उनसे चाय से आपका बुलाते हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इसमें करने के लिए उन्होंने बहुत मुझे हेल्प की, इसलिए थैंक यू। आज दोनों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, राजू सर, पापा जी, थैंक यू। फिल्म
क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।